हेलो एवरीवन, चलिए आज क्लास टेंथ का लेसन विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत धारा से पहले आपको ये जानना है कि विद्युत आवेश ये क्या होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और देखिए जब किसी पदार्थ में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी संख्या में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, या तो बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कमी हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो पदार्थ का यही गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये इसको आप देखिए क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। देखिए विद्युत आवेश को क्या करते हैं, क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि है, जो ये आपकी क्यू है, ये क्या है आपका, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। अब देखिए ये क्या है आपका, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्यू बराबर क्या होता है, यन ई होता है, ठीक है। अब देखिए जो विद्युत आवेश का जो मात्रक रहता है, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, जिसको क्या करते हैं, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत जो आपका क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको ये सी द्वारा, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्यू बराबर क्या होता है, यन ई, ठीक है, ये सूत्र है। यन जहां पे क्या है आपका, यन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो जाएगा। अब ई देखिए क्या है, ये ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है ये कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो E का मान होता है ये हमेशा देखिए ये होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, कितना होता है, कूलाम। ये याद रखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने का रहता है, का जो मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये होता है, ठीक है, इधर समझ गए। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है, जो एक कूलाम आवेश होता है यहाँ पे। क्यू बराबर क्या होगा, n × e, n का मान क्या हो जाएगा, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है।
हाँ, अब एक चीज और देखिए, आपको देखना है यहाँ पे, ये आपकी आपका वो विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है विद्युत आवेश पर लिए, तो विद्युत क्षेत्र भी देखिए क्या होता है। देखिए किसी विद्युत आवेश को आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कि कोई मान लीजिए ये क्या विद्युत आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी ये क्यों, मान लीजिए ये क्यों क्या आवेश है, अब इसके देखिए चारों ओर का क्षेत्र यही होगा ना, इसके देखिए क्या है चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसी आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता, मतलब कि आवेश के प्रभाव का, इसका प्रभाव कहाँ तक होगा, अगर इसका प्रभाव यहाँ तक है, ठीक है समझ रहे ना, तो ये क्या कह रहे थे, हाँ जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, यही क्या होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है आप कह सकते हैं किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आवेश जो होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका देखिए पहला जो आवेश होगा, हाँ आगे हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा धनावेश, धनावेश, देखिए धनावेश को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश को क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका ऋणावेश होता है, जिसको क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा भी लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ करके, अभी इसमें लिखाएंगे। दूसरा क्या आपका ऋणावेश है, ऋणावेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज। हाँ देखिए क्या होता है आपका धनावेश क्या होता है, धनावेश देखिए क्या होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं धनावेश कहते हैं, ठीक है ना। अगर क्या होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, इसमें देखिए कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। अब इसी में क्या होता है किसी पदार्थ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, इसमें यही लिख लीजिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों ये सही कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को, आवेश को क्या कहते हैं धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं, कहते हैं, समझ गए ना। जैसे देखिए आप कह सकते हैं यदि एक कांच की छड़, यदि एक कांच की छड़ ले लीजिए और रेशम का कपड़ा ले लीजिए, अब दोनों को क्या करते हैं रगड़ते हैं, ठीक है। तो जो कांच की छड़ रहती है, जो कांच की छड़ रहेगी उस पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, मतलब कि उस पे कौन सा आवेश आ जाएगा धनावेश आ जाएगा। अब देखिए ऋणावेश क्या होते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, देखिए ऋणावेश क्या होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं ऋणावेश कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यदि आपके एबोनाइट की एक छड़ ले लीजिए और फर से देखिए एबोनाइट की छड़ लेंगे और फर लेंगे तो उसको देखिए जब रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। जो आपकी देखिए क्या होती है, सामान्य सामान्य आवेशित वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। जो आपके सामान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तथा विपरीत आवेशित वस्तुएं, तथा विपरीत विपरीत आवेशित वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है, सामान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जैसे प्लस प्लस है तो सामान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अब देखिए, तथा विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, जैसे प्लस और माइनस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब चलिए हेडिंग डालिए विद्युत धारा, ठीक है, आपका हेडिंग आ गया विद्युत धारा, ये पढ़ना, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। एक मिनट, ये अच्छे से मिट गया है, देखिए इससे मिटा दें तो मिटता है ये साफ, हाँ इससे मिट रहा साफ। चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हेडिंग तो यही डाले। अब देखिए यह क्या होती है, देखिए विद्युत धारा क्या होती है, देखिए विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि किसी भी आपके जो विद्युत चालक है, ठीक है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, किसी चालक के विद्युत आवेश के, किसी चालक के, किसी चालक के विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, के प्रवाह की दर को, की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यही देखिए कह रहे हैं कि किसी चालक के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, सॉरी ये क्या, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते। कोई चालक है, उसमें क्या हो रहा है, आपका विद्युत आवेश क्या कर रहा, प्रवाह कर रहा, तो उसकी दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, जो आपका विद्युत धारा होता है इसको क्या करते हैं, कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक में विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्यों है, ठीक है ना, के प्रवाह की दर को, मतलब कि ये दर किसी आपके दर को, मतलब टाइम होगा, ठीक है ना, ये क्यू बाई टी हो जाएगा, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है, ठीक है। तो देखिए इसका, देखिए इसका जो मापन होता है, विद्युत धारा का मापने का जो यंत्र होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा को जो मापते हैं वो अमीटर द्वारा मापते, किसके, अमीटर, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे अमीटर, यही होता है, ठीक है, अमीटर द्वारा मापते हैं। और देखिए ये जो अमीटर होता है, अमीटर को हमेशा कैसे क्रम में लगाया जाता है, आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे या फिर समांतर में लगाएंगे, जो अमीटर होता है यह हमेशा क्या होता है,
श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है, किस में रहता है, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। जो करंट जिसे मानते हैं ये, इसको जो अमीटर हमेशा किस में लगाएंगे, आप श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे, ठीक है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्यू का मात्रक जानते हैं, कूलाम होता है, ये समय है, तो आई का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। आई का मात्रक देखिए, इसका मात्रक मदारे, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है, और क्या है, प्रति, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर देखिए कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसको एम्पियर भी कहते हैं, अथवा अथवा एम्पियर, ठीक है, क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर को क्या करते हैं, कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यही इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। आई का मात्रक जो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आपका कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा क्या है, एम्पियर है। अब देखिए जो एम्पियर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जो वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, जो हाँ इसका ये जो एम्पियर जो मात्रक का नाम दिया गया है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, ये जो नाम है, ये नाम किस पर रखा गया है, फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक, उनका नाम था आंद्रे, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ये एम्पियर नाम रखा गया है, ठीक है। अब इतना समझ में आया, अब इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हाँ, अब जानते होंगे मिली और माइक्रो, जानते होंगे मिली में क्या होता है, एक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मिली और माइक्रो में क्या होता है, मिली और ये दोनों क्या होते हैं, बहुत छोटी इकाइयां होती हैं, मिली और माइक्रो, ठीक है। देखिए मिली जो आपके विद्युत धारा है उसको क्या करते हैं, आप अगर छोटे मात्रक में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर, एम्पियर, एक मिली एम्पियर में कितना मान, ये कितने एम्पियर होंगे, एक मिली मतलब क्या जानते हैं, 10^-3 क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। वैसे माइक्रो, अगर एक माइक्रो, एक माइक्रो एम्पियर में क्या होगा, एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 10^-6 एम्पियर होते हैं, ठीक है ना, कितने होंगे, 10^-6 माइक्रोम क्या होता है, 10^-6 एम्पियर होते हैं, ठीक है, ये एम्पियर है, चलिए ठीक है। अब देखिए हाँ, अब एक चीज जानते होंगे, किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धनावेश की दिशा में होती है, जैसे कि आपका जैसे जैसे जो विद्युत आवेश प्रवाह करता है उसी के साइड क्या होता है, आप में जो क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं, उसी दिशा में होते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं, इसको देखिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे जा रहे हैं, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, मतलब कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है यह उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा होती है, किसकी होती है, धन आवेश की दिशा, धन आवेश की दिशा, ठीक है, मतलब कि जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित करेंगे उसी दिशा में आपका जो विद्युत धारा आई है वो भी क्या होगा, प्रवाह करेगा, ठीक है, समझ गए, जिस दिशा में आपका विद्युत धारा प्रवाहित करेगी उसी, सॉरी, धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित करेंगे उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, ठीक है। और देखिए धातुओं में क्या होता है, धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या होते हैं, आपके ऋण आवेश से प्रवाह से उत्पन्न होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु होते हैं, धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होती है, आपकी जो विद्युत धारा होती है वही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए धातुओं में किस साइड आपका जो
ये जो विद्युत धारा रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये किस कैसे कैसे आपके प्रवाह करेंगे, चलिए देखते हैं। तो धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है, ठीक है। अतः जो विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। अगर कोई धातु है, ठीक है, धातु समझे ना, उसमें अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस धारा के विपरीत क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। अगर क्या है, ये आपका विद्युत धारा ऐसे प्रवाह कर रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इस विद्युत धारा के विपरीत प्रवाह करेंगे धातुओं में, ठीक है। चलिए अभी देखिए इसी से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा से ही एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, कितनी है, एम्पियर है, एम्पियर का विद्युत धारा का I का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर है। क्या नोट किए, यदि किसी विद्युत धारा में प्रवाहित सॉरी यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना है, 4 एम्पियर है, ठीक है। तो आपको बताता था चालक पर उपस्थित आवेश 8 गुलाम है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 8 गुलाम है, आवेश का गुलाम दिया तो क्यू का मान कितना दे दिया गया है, 8 गुलाम, 8 गुलाम को सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतना दिया गया है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करना, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 8 गुलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, समय ज्ञात करना है, टी का मान ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा है आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, तो जब टी को यहाँ पे ले जाएंगे आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा आई। तो Q का मान कितना है, 8 कूलाम है। अब देखिए एक ये 4 एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है, यही तो होता है कूलाम प्रति सेकेंड, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये क्या है आपका, I का मान कितना है, ये 4 क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, ये सेकेंड नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये कूलाम कूलाम कट गया, 4 ये दूनी 8, तो और ये ऊपर चला गया, बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में क्या होगी, ये प्रवाहित आवेश के प्रवाह का समय कितना होगा, 2 सेकेंड होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हेडिंग डालते हैं विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या होता है, हाँ हेडिंग डाल लीजिए विद्युत विभव, विद्युत विभव ये क्या होता है, विद्युत विभव, विभव इसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं विद्युत विभव को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है विद्युत विभव, ठीक है, ये इसकी हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिएगा इसको, देखिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को मतलब कि एकांक कोई धनावेश है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका ये विद्युत क्षेत्र है, कोई आपका ये चार्ज है, कोई सॉरी ये आपका क्यू है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, कोई एकांक धनावेश को क्यू को, ठीक है, ये एकांक धनावेश है, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, मतलब कि अगर यहां तक ला रहा है, यहां तक ला रहा है, यहां तक किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है ना, किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखिए क्या होता, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित
विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है या फिर कह सकते हैं स्थित है, स्थित है किसी बिंदु तक लाने के लिए, किसी बिंदु तक लाने के लिए, बिंदु तक लाने के लिए, लाने के लिए, लाने के लिए तक लाने, हाँ लाने, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे थे, लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यही देखिए बता रहे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित या स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत विभव होती है इसको क्या करते हैं, कैपिटल वी द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। जो आपका विद्युत विभव होता है उसको कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप मान लीजिए, यदि क्यू कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है, डब्लू है, ठीक है, यदि क्यू आवेश, मान लीजिए क्यू आवेश को क्या कर रहे हैं, अनंत से, ये क्यू आवेश है, ठीक है, इसको अनंत से लाने के लिए किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। ये सूत्र ये नोट कर लीजिएगा, V बराबर क्या होगा, W बटा Q। V क्या है आपका विद्युत विभव है, W क्या है आपका ये कार्य है, और Q क्या है ये आपका आवेश है। अब देखिए इसका जो विद्युत विभव का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक W का देखिए क्या होता है आपका, W का मात्रक होता है जूल होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या फिर क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसको कहते हैं वोल्ट, या वोल्ट, इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, ठीक है, क्या है, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव एक वोल्ट होगा। ठीक है, अगर ये भी क्या है, एक जूल कार्य कर रहे हैं और इसका देखिए आवेश क्या हो, एक कूलाम आवेश है और एक कूलाम ये एक जूल कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो कार्य ये होगा वोल्ट होगा, ये भी क्या होगा, एक ही वोल्ट होगा। हाँ चलिए आगे इसी से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्युत विभव से ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, क्या है, हाँ क्वेश्चन नोट करिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, ठीक है, कितना है 64 जूल, तो ये किसका मान दे दिया गया है, डब्ल्यू का मान दे दिया गया है, ठीक है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का मान दिया, n का मान कितना दिया गया, n बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, यही यही तो कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मान, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, ठीक है, अब देखिये n दिया गया, ये दिया गया, आपको क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, v आपको ये बताना है। तो पहले आप जानते हैं ये q बराबर क्या होता है, n e होता है, ये जानते हैं। अब v आपको निकालना है, v बराबर देखिए क्या जानते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा आपका, w बटा q। आपको n पता है तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, q का मान निकाल लेंगे आवेश, तो यहाँ पे n का मान 1 है, आवेश का मान तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये होता है ना। तो आप देखिए जब 1 से गुणा करेंगे तो q का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। आपको w दिया गया है और q दिया गया है, तो यहाँ पे v निकल जाएगा। ठीक है, आपका विद्युत विभव कितना हो जाएगा, w का मान कितना है 64 है, और यहाँ पे कितना है, ये आपका 1.6 दिया गया है। ठीक है, 1.6 दिया गया है, यहाँ पे गुणा करेंगे 10⁻¹⁹ क्या है, −19 कूलाम है। अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को हटा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट को, ये पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये नीचे 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻¹⁹, 40 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब एक 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक पावर बढ़ा दीजिए, 4 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगी, 20 वोल्ट। तो कितना यहाँ पे इसका विभव होगा, 4 × 10⁻¹⁹ होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अतः उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा, 4 × 10⁻¹⁹ होगा। ठीक है, अब चलिए आगे दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत विभवांतर। आगे हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर। देखिए सेम विद्युत विभवांतर भी आपका यहाँ पे विद्युत विभवांतर, विभवांतर, विद्युत विभवांतर, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए क्या होता है, कोई धारावाही परिपथ है, ये मान लीजिए परिपथ क्या है, एक बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, करंट यहाँ पे प्रवाहित कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए इस जो विद्युत विभवांतर होता है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को, मतलब कि यहाँ के आवेश को क्या कर रहा है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, यहाँ से जो एक आवेश रहेगा यहाँ तक लाने में किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही धारावाही परिपथ में, परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, के बीच विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर वह कार्य है, वह कार्य है जो एकांक एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है।
दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका विद्युत विभवांतर होता है, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, अब जो आपका ये विद्युत विभवांतर होता है इसको भी क्या किया जाता है, ये भी इसको भी कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो विद्युत ये है इसको भी कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन ये क्या रहेगा, दो बिंदुओं के बीच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्लू बटा क्यू, ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान रहेगा यहाँ पे, इसका भी जो मात्रक है डब्लू क्या हो जाएगा आपका, कूलाम प्रति मात्रक जो होगा, कूलाम प्रति आपका सेकेंड यही हो जाएगा, या फिर क्या कहेंगे आप इसको, या फिर वोल्ट कहेंगे, यही ना वोल्ट, इसका भी जो मात्रक होता कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर क्या हो जाएगा ये वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको मापने के लिए, इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत विभवांतर है इसको मापने के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, इसको मापने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए जो आपका वोल्ट मीटर होता है ये कैसे जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा आपके किस में जुड़ा रहेगा, सदैव समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा। ठीक है, जो आपका वोल्ट मीटर होता है यह हमेशा किस में जुड़ा रहेगा, समांतर में जुड़ा रहेगा, समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा, समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा या फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे इसका जो मात्रक है वोल्ट क्यों रखा गया, वोल्ट यहाँ पे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। इसका देखिए जो नाम यहाँ पे, इसका जो मात्रक वोल्ट है तो वोल्ट किसके आधार पर रखा गया है, ये जो वोल्ट दिया गया है इसका मात्रक वोल्ट, ये वोल्ट इसकी इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के, इटली के भौतिकी वैज्ञानिक, इटली के भौतिकी वैज्ञानिक के किसके ना, इनका नाम था अलेसांड्रो, अलेसांड्रो वोल्टा के नाम पर दिया गया था, वोल्टा के नाम पर रखा गया है, इटली के भौतिकी वैज्ञानिक अलेसांड्रो वोल्टा के नाम पर ये वोल्ट का मात्रक दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन चलिए नोट करिए, हाँ इसको मिटा दे रहे हैं अब, क्वेश्चन देखिए यही है, क्वेश्चन देखिए पांच कूलाम, नोट करिए पांच कूलाम वाले, हाँ क्वेश्चन यही है, पांच कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, पांच कूलाम आवेश देखिए दे रहा है तो क्यू का मान दिया है, पांच कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, पांच कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब कि ये आपका एक बिंदु है ये दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितनी जूल आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, W बराबर 25 जूल ऊर्जा यहाँ पे खर्च करनी पड़ती है। अब देखिए बताना, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का विभव मतलब कि आपका V1 दिया गया, V1 का मान कितना दिया गया है 10 वोल्ट, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा,
तो ये सब आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप यही विद्युत विभवांतर पढ़ रहे थे, तो डेल्टा वी बराबर क्या होता था, डब्ल्यू बटा क्यू। डेल्टा वी का मतलब क्या होता, आप वी टू माइनस क्या होता है, वी वन बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो ये आपको वी वन का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये माइनस दिया, इसका मान दिया गया आपको वी टू निकालना है, तो वी टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बटा क्यू, और ये वी वन है, इस साइड आएगा प्लस क्या कर लेगा, वी वन हो जाएगा। तो यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए वी टू कितना ये निकाला, डब्ल्यू कितना दिया गया, 25 दिया गया है आपको, क्यू कितना दिया गया, 5 दिया गया है, और ये कितना वी वन कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है। तो 5 ये 25 हो जाएगा, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो वी टू का मान कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट होगा। तो दूसरे बिंदु का विभवांतर कितना होगा, दूसरे बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, 15 वोल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।